सब्जेक्ट में। सो स्टूडेंट्स, आज हम चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इन्हें आपको काउंट करना है, और यहाँ पर ये साइन दिए गए हैं। साइन होता है मोर देन का साइन रहता है, ये लेस देन का साइन रहता है, एंड ये इक्वल का साइन रहता है। तो हमें क्या करना है, काउंट एंड पुट। तो ये जो मोर देन का साइन रहता है, इसे इस साइन को कब लगाते हैं, जहाँ चीज ज़्यादा होती है उस तरफ हम मोर देन का साइन लगाते हैं। मोर देन मीन्स अलग होता है, लेस देन लेस देन का साइन कब यूज करते हैं, जहाँ जिस साइड चीज कम होती है या कम चीज होती है, हम लेस देन का साइन का यूज करते हैं। लेस देन मीन्स होता है कब, इक्वल मतलब बराबर के लिए हम इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है कि काउंट एंड पुट, ये मोर देन का साइन है एंड लेस देन का साइन है, और ये इक्वल का साइन है इन द बॉक्सेस इन द सेंटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस साइड एंड अदर साइड, इधर साइड आपको क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। यहाँ पर हमें देखना है कितने ऑब्जेक्ट है, और इस बीच बॉक्स में यहाँ पर हमें मोर देन लेस देन एंड इक्वल साइन का यूज करना है। तो किस प्रकार से हमें मोर देन लेस देन एंड इक्वल साइन का यूज करना है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, इस साइड कितने ऑब्जेक्ट दिए गए, पहले हमें काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। एंड अदर साइड कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इन्हें हम करेंगे 1, 2, 3, कितने ऑब्जेक्ट है 3। तो एक नंबर हम लिखेंगे 1। अब हमें यहाँ पर बीच में मोर देन लेस देन एंड इक्वल के साइन का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें जो नंबर बड़ा रहता है ना, उसके लिए हम मोर देन साइन का यूज करते हैं, जो नंबर छोटा रहता है उसके लिए हम लेस देन साइन का यूज करते हैं। यदि नंबर बराबर है तो उनके लिए हम इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 4 इज मोर देन 3, 4 जो 4 है वो 3 से कैसे है अधिक है। तो हम यहाँ पर किस साइन का यूज करेंगे, मोर देन साइन का यूज करेंगे। इस तरीके से जो नंबर बड़ा रहता है, बिग रहता है, उसके लिए हम मोर देन साइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम इन ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे, और मोर देन लेस देन इन इक्वल साइन में से एक साइन का यूज यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले हम इन ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, कितने ऑब्जेक्ट है, 1, 2, 3, कितने ऑब्जेक्ट है इस साइड, 3, यहाँ पर लिख देंगे। अगर ऐसा करेंगे कितने ऑब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कितनी साइड से इस साइड, 5, यहाँ पर यहाँ 5 लिख देंगे। अब हमें क्या पता है यहाँ पर कौन सा साइन यूज किया जाए, मोर देन लेस देन इक्वल का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 इज लेस देन 5, 3 जो है 5 से कैसे कम है, हम किस साइन का यूज करेंगे, लेस देन साइन का यूज करेंगे। इस तरीके से ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें इन्हें काउंट करना है। सबसे पहले हमें काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने स्टार है यहाँ पर, 5, यहाँ पर हम लिख देंगे 5। यहाँ पर देखिए कितने स्टार है, इन्हें काउंट कीजिए, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, कितने स्टार है यहाँ पर भी, 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 and 5 यानी कि इक्वल है। तो हम यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भी इधर भी 5 स्टार है, और इधर साइड भी कितने स्टार है, 5 स्टार है, यानी कि दोनों साइड के स्टार है इक्वल है। तो हम किस साइन का यूज करेंगे, इक्वल साइन का यूज करेंगे। जब चीजें एक जैसी होती है तो वहां पर एक बराबर हो, दोनों साइड चीजें हैं वो दोनों साइड ऑब्जेक्ट बराबर हो, तो वहां पर हम इक्वल साइन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपने जाना कि किधर किस हम लेस देन मोर देन सॉरी मोर देन और